नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से आरकेपुरम इलाके में गेल इंडिया लिमिटेड के सौजन्य से 3 मोबाइल मेडिकल यूनिट दिए गए, जिसकी शुरुआत हरी झंडी दिखाकर नई दिल्ली की सांसद बासुरी स्वराज ने की। मोबाइल मेडिकल यूनिट जो लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी, इनमें से 2 यूनिट नई दिल्ली के 10 विधानसभा क्षेत्रों में के सेवा बस्ती में जाकर चिकित्सक सेवाएं मुहैया कराएगी, जबकि 1 मोबाइल मेडिकल यूनिट एम्स अस्पताल को दी गई है। इस यूनिट में क्वालिफाइड डॉक्टर और नर्स मौजूद रहेंगे जो मरीजों के उपचार करेंगे, साथ ही ये यूनिट दवाइयां भी प्रदान करेगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि सांसद बांसी स्वराज ने मोबाइल मेडिकल यूनिट को हरी झंडी दिखाई। आज इस हरी झंडी कार्यक्रम में एम्स अस्पताल के निदेशक और डॉक्टरों ने भी हिस्सा लिया। बीजेपी सांसद बांसी स्वराज ने इन मोबाइल मेडिकल यूनिट्स को हरी झंडी दिखाकर इसे जनता के लिए समर्पित कर दिया। इस अवसर पर सांसद बांसी स्वराज ने कहा कि गेल इंडिया द्वारा शुरू की गई यह पहल दिल्ली की जनता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगी। मोबाइल मेडिकल यूनिट से दूर दराज के इलाकों के लोगों को तुरंत स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी, जिससे उनकी जीवन शैली में सुधार होगा। इस कार्यक्रम में आरकेपुरम विधानसभा के पूर्व विधायक अनिल शर्मा, साथ ही पूर्व निगम पार्षद तुलसी जोशी के अलावा बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी रहे। सांसद ने यह भी बताया कि बीजेपी ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को और सुलभ बनाने के लिए सिग्नेचर कैंपेनिंग भी शुरू कर दिया है। इस कैंपेन का उद्देश्य लोगों तक आयुष्मान भारत योजना की जानकारी पहुंचाना और उन्हें इस योजना के लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना है। सिग्नेचर कैंपेन के दौरान बसंत विहार इलाके में बीजेपी सांसद बांसी स्वराज ने खुद लोगों से सिग्नेचर अभियान फार्म भरवाए और लोगों को आश्वस्त किया कि अगर इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती है तो पहले कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी, दिल्ली में भी कर दी जाएगी। आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के द्वारा दिल्ली में इस योजना को लागू नहीं होने दिया जा रहा है और दिल्ली और पश्चिम बंगाल में देश ऐसे राज्य हैं जहां पर प्रधानमंत्री की योजना लागू नहीं की गई। अब हम इस लड़ाई को कोर्ट तक लेकर जाएंगे ताकि दिल्ली के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाए। आप देखिए कि किस तरीके से जब इस मोबाइल यूनिट का शुरुआत हुई उसके बाद लोग अपना चेकअप कराने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं, दवाइयां हैं वो ले जा रही है। साथ ही साथ देखिए किस तरीके से एम्स के निदेशक जो है उनको भी ये चाबी सौंप दी गई है, जो कि अब एम्बुलेंस के रूप में भी मरीजों के लिए काम आएगी और दूर दराज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच पाएंगे। गेल समस्त गेल परिवार की तरफ से आज मुझे यहाँ खड़े होकर आपका स्वागत करते हुए एक बहुत ही हर्ष हो रहा है और हर्ष के साथ साथ एक मैं खुद भी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि गेल परिवार इस पहल के साथ जुड़ पा रहा है और एक नई दिल्ली क्षेत्र में एक नई शुरुआत हम आज करने जा रहे हैं, जहाँ पर जैसा कि अभी अंजलि ने आपसे साझा किया कि गेल के द्वारा 2 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स इस क्षेत्र में चलाई जाएंगी, जो जनमानस को यहाँ पर जो हैं उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगी, जिसके लिए उन्हें किसी हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मोबाइल मेडिकल वैन यूनिट्स उनके क्षेत्र में चलकर वहाँ पर रहेंगी और दिन भर वहाँ पर वो स्वास्थ्य सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध रहेंगी उनको, जिसके जरिए वो वहाँ पर डॉक्टर की सेवाएं, नर्स की सेवाएं, अटेंडेंट की सेवाएं, फार्मेसिस्ट और दवाइयाँ और जो भी जांच, जो बेसिक जांच होती है वो वहाँ पर उनके घर के आसपास में रहकर वो उसकी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। और इस प्रोजेक्ट की यदि मैं थोड़ी सी समय लेना चाहूँगा और 2 मिनट के लिए आपको बताऊँ तो ये प्रोजेक्ट जो हम करते हैं गेल का CSR प्रोजेक्ट है, गेल आरोग्य, जिसके अंतर्गत आज हम पूरे भारतवर्ष में 12 राज्यों में और 25 डिस्ट्रिक्ट में ऐसी 50 मेडिकल मोबाइल यूनिट्स चला रहे हैं। बेनिफिट होगी और हमारा हॉस्पिटल एक ही नहीं है, बहुत सारे बिल्डिंग्स हैं कैंपस में फैला हुआ है, उसमें कभी कभी पेशेंट्स का ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है और हमारे सैटेलाइट सेंटर्स भी है, उसके लिए वो मदद करेगी। दूसरा मदद जो आज के दिन में मैडम के तहत और गेल के तहत जो मिल रही है हमारे लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट, आप सब देखते होंगे बड़े बड़े अस्पताल आपके पास एम्स है, सफदरजंग है, नज़दीक में है, लेकिन आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ पर धक्का खाएंगे क्योंकि लंबी लाइन होती है और छोटे चीज़ों के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उस गैप को, दैट गैप इज़ बीइंग फिल्ड अप बाय दिस मोबाइल मेडिकल यूनिट्स एंड आई रियली कंग्रेचुलेट एंड से ग्रेटफुल टू मैडम एंड द गेल
ऑफिसर्स दैट उन्होंने एक अच्छा चीज़ ले आया ताकि आप अस्पताल में आके धक्का नहीं खाना है, छोटे छोटे चीज़ों के लिए आपके घर के पास ही होता है. एंड दे आर रीचिंग द पीपल हु कैन नॉट बी रीच्ड, यू नो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आपके घर के पास ही आएंगे और क्वालिटी केयर मिलेगा, प्राइमरी केयर मिलेगा, ताकि अगर कुछ में कुछ प्रॉब्लम है तो देन यू कैन रीच आउट टू आवर हॉस्पिटल्स. विद दिस आई वंस अगेन कंग्रेचुलेट द मैडम एंड से वी आर ऑल ग्रेटफुल टू यू. शी इज़ नॉट ओनली दी आवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बट ऑल्सो शी इज़ ऑन आवर इंस्टीट्यूट बोर्ड ऑल्सो एंड शी हैज़ बीन हेल्पिंग अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस एंड थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू गेट फॉर ऑल दिस. थैंक यू. आभार और अभिनंदन. जिनके नाम रह गए उनको डबल आभार और अभिनंदन. और यहाँ उपस्थित मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे अपने, हम सब हैं मोदी का परिवार. और परिवार के जो बिल्कुल, ये तो ताली बजाने वाली बात है ही, हम सब हैं मोदी का परिवार. और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन जन समर्पण और जनता के कल्याण को दिया है, उन्होंने बहुत ही ज्यादा प्राथमिकता दी है हेल्थ को, यानी स्वास्थ्य को. तो सबसे पहले तो मैं अभिनंदन और आभार करती हूँ गेल परिवार का कि आपने मेरी जिद मानी. मैंने इनसे आग्रह करा कि स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सेक्टर है और इसका सबसे ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो वो मेरी माताओं और बहनों पे पड़ता है. और मुझे इतनी खुशी है यहाँ पर देखकर कि ज़्यादा संख्या यहाँ महिलाओं की है और वो इस बात की गवाही डॉक्टर साहब श्रीनिवासन जी देंगे. परिवार में माँ अकेली है जो अपनी स्वास्थ्य की परवाह नहीं करती क्योंकि वो बाकी सबकी परवाह करती है. माँ को डॉक्टर तक लेके जाना डॉक्टर साहब बहुत ही बड़ा कारज होता है. उसको बोलते रहो, उसके सामने आप अगर एक बार छींक भी दोगे तो तुरंत आ जाएगी, काढ़ा बना के देगी, डॉक्टर के लेके जाएगी, सब कुछ करेगी. लेकिन अपने लिए अगर घुटने में भी दर्द होगी तो बेचारी लंगड़ाती रहेगी, कभी उस पर गर्म पट्टी बांध लेगी ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर एक्टिंग करेगी कि नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करेगी. तो ऐसे में क्या करें? अरे अगर माताएं और बहनें अस्पताल नहीं आएंगे तो हम अस्पताल माताओं बहनों के पास लेके जाएंगे. आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई थी, जहां पर उन्होंने ये कहा था, ऐसी अच्छी सरकार जो आए आपके द्वार. वहां पे आपको याद होगा अलग अलग डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट की उन्होंने कुर्सियां आपके मोहल्ले के आगे लाके लगा दी थी. तो उसी से फिर हमें प्रेरणा मिली. हमने कहा भाई ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे कम से कम जो शुरू शुरू का इलाज है उसके लिए मेरे परिवार के जनों को उठकर अस्पताल ना जाना पड़े. और तब हमने जाकर दस्तक दिया गेल के दरवाजे. और इन्होंने अपने CSR फंड से एक नहीं बल्कि दो MMUs यानी मोबाइल मेडिकल यूनिट आज हम लोगों को यहाँ दिए हैं, जो मैं जनता के द्वार उनके कारण आज आपके समक्ष जन समर्पित करती हूँ. सालाना का मुफ्त इलाज मिलता है इसमें हर परिवार को. और इससे भी बड़ी बात, इसी 29 अक्टूबर 2024 को मोदी जी ने ये मुहिम चलाई है कि जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जो 70 बरस से बड़े हैं, भाई आप कितने लोग हैं जो 70 से ऊपर के, जरा हाथ उठाना. कितने दादी तुमको देख के तो 16 लग रहा है, पर चलो तुम कह रही हो 70 तो मैं मान लेती हूँ. यहाँ पे कितने लोग हैं जो 70 के आसपास हैं? काफी लोग झूठ बोल रहे अपनी एज के बारे में. हाँ ठीक, जितने भी लोग 70 से ऊपर के हैं, 70 या 70 से ऊपर के हैं, उन सबको आयुष्मान भारत में मुफ्त इलाज मिलता है 5 लाख रुपए का, हर व्यक्ति को जो 70 से ऊपर है. इसलिए उससे फर्क नहीं पड़ता वो किस प्रकार की आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है या किस प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि से आती है. यानी नानी जितने मर्जी घुटने बदलवाना चाहती हो तो बदलवा सकती हो आयुष्मान भारत में, जितने मर्जी चश्मे बनवाना चाहती हो वो करवा सकती हो, मोतियाबिंद का अगर सर्जरी
वो करवा सकती हो। लेकिन अब आती है दुर्भाग्य की बात, और इसीलिए आपको याद होगा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी वेदना व्यक्त करी थी। भारत के सब बुजुर्गों को ये मुफ्त इलाज मिल सकता है, लेकिन दिल्ली और पश्चिम बंगाल में नहीं। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ की दिल्ली की सरकार आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दे रही, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के एक एक कर्मठ कार्यकर्ता ने ये प्रतिबद्धता करी है कि आयुष्मान भारत हम दिल्ली में लागू करवा के रहेंगे। इसके लिए हमें कोर्ट का दरवाजा क्यों ना खटखटाना पड़े, और इसीलिए आपके दिल्ली के सातों सांसद कचहरी का दरवाजा खटखटा चुके हैं। कचहरी ने दिल्ली सरकार को लताड़ा है कि जब केंद्र सरकार आपको पैसा देने के लिए तैयार है तो आयुष्मान भारत यहाँ पर लागू क्यों नहीं कर रहे। बताइए, जब पूरे देश में मुफ्त इलाज हो रहा है तो क्या ये न्याय है कि दिल्ली की जनता को वंचित रखा जाए? ये अन्याय है ना। आप चाहते हैं ना कि आयुष्मान भारत दिल्ली में भी लागू हो? चाहते हैं ना? तो जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, चाहते हैं ना कि दिल्ली में भी आयुष्मान भारत लागू हो? बस आपका ये आशीर्वाद ही है जो हम कर्मठ कार्यकर्ताओं की मजबूती, हिम्मत और ताकत बनता है। मेरी माताओं और बहनों के आशीर्वाद से हम पूरा प्रयास करेंगे और प्रतिबद्धता करते हैं कि आयुष्मान भारत दिल्ली में भी लागू करेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव में यहाँ पर मुझे भाजपा का विधायक दे दीजिए, पहले कैबिनेट डिसीजन में आयुष्मान भारत दिल्ली में लागू होगा। मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत की गई है। देश क्या आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हम लोगों ने प्रेरणा ली है। वो हमेशा एक ऐसी सुचारू और अच्छी सरकार चलाते हैं जो जाती है जनता के द्वार। इसीलिए आज हम लोगों ने गेल परिवार के सौजन्य से, यहाँ पर उनकी मदद से तीन चीज़ें करी हैं। सबसे पहली तो हम लोगों ने यहाँ पर दो MMUs यानी मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का इनॉग्रेशन करा है। इनमें एक क्वालिफाइड डॉक्टर होगा, एक क्वालिफाइड नर्स होगी, एक केमिस्ट यानी फार्मासिस्ट होंगे जो वहीं पर चेकअप के बाद आपको बेसिक दवाइयाँ, अच्छी गुणवत्ता की दवाइयाँ दे सके, और एक ड्राइवर होंगे। हमारी मुहिम ये थी कि लोगों को उठकर स्वास्थ्य केंद्र जाने की ज़रूरत ना पड़े। जो बेसिक मेडिकल चेकअप है वो सारी की सारी बेसिक टेस्ट जैसे शुगर की, बीपी की वगैरह, ये सारी की सारी इनके द्वार ही हो जाए। ये दोनों मोबाइल यूनिट्स सभी की सभी 10 विधानसभाएं जो नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में आती हैं उसमें घूमेंगी। इनका टारगेट होगा सेवा बस्तियों में जाना और लगभग 50,000 से 55,000 लोगों को सालाना ये सर्व करेंगी। हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरित हैं कि हेल्थ यानी स्वास्थ्य बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। दुर्भाग्यपूर्ण बात ये है कि दिल्ली में जो दिल्ली की सरकार है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो द्वेष की राजनीति करती है, और यहाँ पर दिल्ली वालों को आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजना से वंचित रख रही है। पूरे के पूरे भारत में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, स्पेशली जो 70 वर्ष से बड़े हैं, उन सबको मुफ्त इलाज का लाभ मिल रहा है। 5,00,000 रुपए सालाना तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता वंचित है क्योंकि यहाँ पर आयुष्मान भारत लागू नहीं है। इसीलिए जो तीसरा कार्य आज हम कर रहे हैं, हम आज एक सिग्नेचर यानी एक पिटिशन लॉन्च कर रहे हैं, एक सिग्नेचर कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं, जिसके तहत हम दिल्ली की जनता इस बहरी आम आदमी पार्टी की सरकार के कानों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि अब तो माननीय आतिशी जी और माननीय केजरीवाल जी अपनी नींद से जागे और जनता को, खासकर की दिल्ली की जनता को, आयुष्मान भारत से वंचित ना रखें। आपने कहा कि अगर जो सरकार डबल इंजन की सरकार का जलवा यही है। मैं हरियाणा का उदाहरण देती हूँ आपको। वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत का 5,00,000 रुपया सालाना का मुफ्त इलाज का लाभ तो मिलता ही है, लेकिन वहाँ हरियाणा में
जो भाजपा की डबल इंजन की सरकार है वो ऊपर से 10 लाख रुपया देती है, यानी जहां पर डबल इंजन की सरकार है वहां पे 15 लाख रुपया का मुफ्त इलाज सालाना लाभार्थी को मिलता है। लेकिन क्योंकि दिल्ली की जनता वंचित है, यहां पर केजरीवाल जी और माननीय आतिशी जी ने द्वेष की राजनीति के कारण दिल्ली की जनता के साथ धोखाधड़ी कर उनको वंचित रखा है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आगामी चुनावों के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनेगी तो पहले कैबिनेट डिसीजन में ही आयुष्मान भारत को दिल्ली में लागू करा जाएगा। मैडम अरविंद केजरीवाल ने अनिल जी आरके पुरम विधानसभा में 2+1 3 एम्बुलेंस को सौगात दी गई है, क्या कहेंगे? ये एम्बुलेंस 2 एम्बुलेंस आज नई दिल्ली लोकसभा के लिए दी गई है, 1 एम्बुलेंस एम्स को दी गई है, 2 एम्बुलेंस नई दिल्ली लोकसभा, जिसकी शुरुआत आरके पुरम से जरूर हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, धन्यवाद भी करना चाहता हूँ बहन बांसुरी स्वराज जी हमारी लोकप्रिय सांसद जी का और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने आज इसकी शुरुआत यहाँ पर बांसुरी जी ने की है। गरीब व्यक्ति को, गरीब माता बहनों को, भाइयों को हमेशा सीधा उनके घर के बाहर सुविधा मिले, फ्री में वहाँ पर दवाइयाँ होंगी, फ्री में डॉक्टर होगा, इलाज होगा, बेस्ट डॉक्टर होगा, और अब उनको कहीं लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, उनको सीधा इलाज अपने घर के बाहर मिलेगा। क्योंकि आपके इलाके में सेवा बस्ती ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, इसका लाभ पूरा लाभ मिलेगा, हमारी सेवा बस्ती के माताओं बहनों को लाभ मिलेगा, हमारे भाइयों को लाभ मिलेगा, माताओं को मिलेगा, क्योंकि 22 झुग्गी बस्तियाँ सेवा बस्तियाँ हैं। और आज मेरे को ये कहते हुए खुशी हो रही है और धन्यवाद मैं करना चाहता हूँ हमारी लोकप्रिय सांसद बहन बांसुरी जी का, जिन्होंने शुरुआत भी यहाँ पर करी है और ये पहले पूरे आरके पुरम के अंदर जितने कैंप हैं उनको कवर करेंगी एम्बुलेंसेस, जो हमारी चलती फिरता अस्पताल जिसका नाम दिया है हमने, ये उनको कवर करेंगे। और थोड़े दिनों के बाद अगली विधानसभा, फिर अगली विधानसभा, फिर वापस आरके पुरम में इस तरीके से एक नई दिल्ली जिले में रहेगी, एक कोलबाग जिले में रहेगी और 5 विधानसभाएं खासकर सेवा बस्ती और गांवों को कवर करेंगे। आरके काम करेगी, मतलब कहां-कहां पर इसका डे वाइज रहेगी, टाइमिंग डे वाइज टाइमिंग रहेगा, हम इनका प्रचार उस क्षेत्र में ऑलरेडी कर देंगे कि भाई कहीं संडे, कहीं मंडे, ट्यूजडे, इस तरीके की व्यवस्था रहेगी जिससे कि लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि आज कहाँ खड़ी है, तो ऑलरेडी हम इसका प्रचार अब कर देंगे। बीजेपी हमेशा से मोहल्ला क्लिनिक पर सवाल, मोहल्ला क्लिनिक में ना डॉक्टर है ना दवाइयाँ हैं।